हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने मेकअप को रिमूव कैसे करती हूँ, जिससे मेरा मेकअप इजीली रिमूव हो जाता है और मेरी स्किन क्लीन एंड क्लियर भी हो जाती है। मैं इनमें ज़्यादा स्टेप फॉलो नहीं करती हूँ, बस क्लीनिंग के लिए मैं दो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। पहला है हिमालय का मेकअप रिमूवर क्लींजिंग मिल्क एंड सेकेंड है वैसलीन। तो इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत पहले से ही पता होगा कि दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। आपने कितना भी लॉन्ग वेयर मेकअप अप्लाई किया हुआ है तो आप वैसलीन से उसे ईजिली रिमूव कर सकते हैं। वैसलीन सभी के पास होती है, सभी के घर में होती है, क्योंकि इसका वर्क जो है और इसके यूजेस जो हैं वो बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे ऑलमोस्ट फिनिश भी कर दिया है। अगर आपके पास क्लींजिंग मिल्क या वैसलीन नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी मेकअप बहुत इजीली और बहुत अच्छे से रिमूव होता है। मैं कभी कभी उसे भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड इशू है, तो आप उसे भी एज अ थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा वर्क करता है। मैंने भी एक ब्लॉग में पढ़ा था, उसके बाद ही मैंने उसे यूज़ करना स्टार्ट किया और उसका वर्क जो है वो बहुत अमेजिंग है। फिलहाल हम मूव ऑन करते हैं हमारे वीडियो पे, जो कि है आज की मैं अपना मेकअप कैसे करती हूँ। मैं आपको मेकअप रिमूव करने से पहले अपने मेकअप के बारे में बता देती हूँ। मैंने यूज़ की है NYB की लॉन्ग लास्टिंग मैट लिपस्टिक और स्टे कोर्की का मैट आई लाइनर और मार्स का आई शेडो। NYB का मैंने मेकअप स्टिक यूज़ किया है कंसीलर बेस मेकअप के लिए। तो ये लॉन्ग लास्टिंग है और ये लॉन्ग लास्टिंग है। तो चलिए देखते हैं कि मैं अपना लॉन्ग लास्टिंग मेकअप कैसे रिमूव करती हूँ या मैं कितनी इजी उसे रिमूव कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी वैसलीन लूँगी और इसे अपने लिप्स पर अप्लाई करूँगी। बस अब आपको इसे थोड़ी देर ऐसे रहने देना है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। जब तक लिपस्टिक ब्रेक डाउन हो रही है, तब तक आई मेकअप को रिमूव कर लेते हैं। आई मेकअप के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ क्लींजिंग मिल्क और मैं इसे अपनी आईज़ पे अच्छे से अप्लाई करूँगी, जिससे मेरा जो आई मेकअप है वो ब्रेक डाउन हो जाए और मेरे आई मेकअप अच्छे से रिमूव हो जाए। तो ये मैंने क्लींजिंग मिल्क ले लिया है और इसे मैं अपनी आईज़ पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। ये देखिए, बिल्कुल भी मैंने अपनी आई को रब नहीं किया है और इसने मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव कर दिया। प्लीज़ एक्सक्यूज़ करिएगा कि मेरी आईज़ थोड़ी सी ब्लैक दिख रही है, क्योंकि मैंने आई शेडो लगाया था और आईलाइनर लगाया था, तो वो थोड़ा सा फेस को ब्लैक कर ही देते हैं जब आप इन्हें रिमूव करेंगे। तो आईज़ को बिल्कुल भी हार्शली ना रब करें, बहुत जेंटली रब करें और ये आपके मेकअप को ईजिली रिमूव कर देगा। अगर आपने बहुत लॉन्ग लास्टिंग मेकअप कर रखा है तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप क्लींजिंग मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो अपनी आईज़ को ज़रूर थोड़ा सा सेफ रखें, क्योंकि क्लींजिंग मिल्क हल्का सा मेरी आईज़ में चला गया और देख रहे हैं आईज़ बिल्कुल रेड हो गई हैं। तो अब मैं लिपस्टिक को रिमूव करूँगी। इस तरह आपने कितनी भी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक लगा रखी है, अगर आप लिपस्टिक पे वैसलीन को अप्लाई करके उसके बाद थोड़ी देर बाद एक मिनट के लिए उसे छोड़ दीजिए, उसके बाद आप उसे रिमूव करेंगे तो आपकी जो लिपस्टिक है वो इजीली रिमूव हो जाएगी, चाहे आपने कोई सी भी लिपस्टिक लगाई हो, कितनी लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक लगाई हो। अब मैं एक और कॉटन पैड लेके अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करूँगी क्लींजिंग मिल्क की हेल्प से। आप जब भी अपने फेस मेकअप को क्लीन करें
तो कभी भी ये ना करें कि आपने अपना फेस मेकअप क्लीन कर लिया है तो आप फेस वॉश स्किप कर जाएं या अपने फेस को वॉश ना करें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम क्लीन करते हैं अपने फेस को तब भी हमारे फेस पे बहुत सारे मेकअप आइटम जो होते हैं वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्लैक हेड्स वाइट हेड की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए कभी भी ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद भी अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन करें और टोनर से क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वो हमारे मेकअप को एकदम से हटा देता है, हमारे फेस को अच्छे से क्लीन कर देता है। ये देखिए, ऐसे मैं अपना फेस मेकअप क्लीन करती हूँ जिससे मेरे फेस पे ब्लैक हेड्स वाइट हेड की प्रॉब्लम नहीं होती है। आज सुबह ही मुझे एक ब्रेकआउट हो गया है, बट कोई बात नहीं, वो तो इजीली ठीक हो जाता है। तो मैं अपने फेस को वॉश करके उसके बाद आती हूँ। मैंने अपना फेस वॉश भी कर लिया है। फेस वॉश के लिए मैंने यूज़ किया था हिमालय का फोमिंग फेस वॉश, क्योंकि अभी मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं अपने फेस को टोनर, फेस पे टोनर यूज़ करके उसके बाद अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँगी। बस चाहे मैं दिन में अपने मेकअप को क्लीन करूँ या फिर अपने मेकअप को नाइट में क्लीन करूँ, मैं यही दोनों क्लीनिंग यूज़ करती हूँ, क्लींजिंग मिल्क एंड वैसलीन। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि आइज़ में अगर ये चला जाता है तो आइज़ को बहुत हर्ट कर देता है, जिसकी वजह से आइज़ थोड़ी देर रेड हो जाती हैं। देख सकते हैं आप, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे डार्क सर्कल हो गए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये आइज़ सिर्फ इसकी वजह से आइज़ थोड़ी सी रेड हो गई हैं। तो ये तो मेरा आज का वीडियो, होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।